हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं लिमिट की। तो भी लिमिट इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, तो उसको हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल। सपोज दिस इज अ जीपी अप टू इनफाइनाइट टर्म। तो भी एक जीपी कंसिडर करते हैं अपन लोग जो कि इनफाइनाइट टर्म्स तक है ना। तो अगर हम लोग इस जीपी का सम ले लें, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, केवल एक टर्म का हम लोग सम लें, तो इट इज इक्वल टू 1/2। तो इस जीपी की अगर आप केवल एक टर्म का सम लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5। चलिए नंबर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। सम ऑफ द जीपी अप टू टू टर्म्स। तो हम लोग क्या करते हैं, दो टर्म लेते हैं इस जीपी के और इनका सम लेते हैं। तो दो टर्म का बेटा सम क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4, दैट इज 0.75। अब क्या करेंगे, नंबर और बढ़ाते हैं। तो सम ऑफ द जीपी अप टू थ्री टर्म्स। अब थ्री टर्म्स तक का सम देखेंगे तो क्या होगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। थ्री टर्म्स का भी सम ले लें तो इसकी वैल्यू आती है 0.5 हो जाएगी, यहां से 25 हो जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.875। तो हम लोग बेटा क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर रही है और ये टेंड कर रही है टुवर्ड्स 1। अब थोड़े से हम लोग नंबर और बढ़ाते हैं। तो सपोज नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ द जीपी अप टू 10 टर्म्स। अगर हम लोग इस जीपी के 10 टर्म्स ले लें तो 10 टर्म्स का आप सम निकालेंगे तो दैट विल बी 0.999। तो भी आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इस जीपी का जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करा रहे हैं इसकी वैल्यू टेंड कर रही है टुवर्ड्स 1। ऑल्दो इस जीपी का सम 1 नहीं होगा, इस जीपी का सम 1 नहीं होगा, बट ये 1 की तरफ वैल्यू अप्रोच कर रही है। तो जो इसकी वैल्यू आ रही है, जो समेशन की वैल्यू आ रही है, वो अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स 1, क्लोज पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये वैल्यू 1 नहीं होगी बट 1 को टच करने की, अप्रोक्सीमेटली टच करने की कोशिश कर रही है, 1 को क्लोज पहुंचने की कोशिश कर रही है ना। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स को हम इंक्रीज कराते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैल्यू और क्लोज जाएगी टुवर्ड्स 1। अभी अप टू 10 टर्म्स है, आप 20 टर्म्स लेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू और क्लोज पहुंची 1 की। ऐसे अगर हम लोग अप्रोच करें और नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग कितना कर दें, इनफिनाइट कर दें। आप बोलेंगे सर इनफिनाइट टर्म्स कैसे कर सकते हैं, बट सोच तो सकते हैं ना हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स को इनफिनाइट कर दें तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी 1 की। तो इसी को मैथ की लैंग्वेज में लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सम ऑफ द जीपी विल बी इक्वल टू 1। तो इस जीपी का जो सम होगा वो 1 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब n की वैल्यू अप्रोच करेगी टुवर्ड्स इन्फिनिटी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लिमिट। तो अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार और अच्छे से समझते हैं। लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल। अभी हमने क्या किया, एक ये सर्कल ड्रॉ किया। अभी इस सर्कल के अंदर अगर आप एक पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, इस सर्कल के अंदर आप पॉलीगॉन ड्रॉ करें तो क्या होगा, देखिए उसका इसके सर्कल के अंदर ड्रॉ करेंगे तो उसका एरिया कभी भी सर्कल के इक्वल नहीं हो सकता है, ऑलवेज लेस देन द एरिया ऑफ सर्कल होगा। तो सपोज हम लोगों ने यहां पर पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया इन साइड दिस सर्कल। तो भी अगर आप देखें कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया लेस देन हो जाएगा द एरिया ऑफ द सर्कल। तो जो सर्कल का एरिया है उससे बहुत कम होगा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इक्वल की तो बात ही छोड़िए, बहुत कम होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल की जगह पेंटागॉन ड्रॉ करते हैं। अब हमने यहां पर पेंटागॉन ड्रॉ किया तो हम लोगों ने देखा कि पेंटागॉन का जो एरिया है वो कुछ कुछ अप्रोच कर रहा है
टूवर्ड्स द एरिया ऑफ द सर्कल। देखिए अभी भी इक्वल नहीं हुआ है, भी डिफरेंस है, बट यहां पर डिफरेंस ज्यादा था और यहां पर डिफरेंस थोड़ा क्या हुआ है, कम हुआ है। अभी हम लोग क्या करें, अब हम लोग पेंटागॉन की जगह हेक्सागॉन ड्रा करें। यहां पर जब हेक्सागॉन ड्रा करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एरिया थोड़ा सा और टेंड कर रहा है टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द सर्कल। तो अभी क्या करें कि जैसे जैसे हम लोग एन की वैल्यू इंक्रीज कराते जाते हैं, यहां पर एन इक्वल टू 4 था तो डिफरेंस बहुत ज्यादा था, एन इक्वल टू 5 किया और एरिया जो पॉलीगॉन का एरिया था वो लगभग सर्कल के एरिया को टच किया, एन इक्वल टू 6 किया तो एरिया और क्लोज पहुंचा टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ऐसे जैसे जैसे आप एन की वैल्यू इंक्रीज कराते जाते हैं वैसे वैसे आप क्या देखते जाते हैं कि इस पॉलीगॉन का एरिया जो है वो सर्कल के एरिया के क्लोज आता जा रहा है। दैट मीन्स दोनों के एरिया का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। अब एन की वैल्यू आप 7 कर दीजिए और क्लोज आया, 8 कर दीजिए और क्लोज आया। अब बढ़ते बढ़ते मैं फिर वही कहूंगा कि एन की वैल्यू इन्फिनाइट कर दीजिए। और जब एन की वैल्यू इन्फिनाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस पॉलीगॉन का एरिया अप्रोक्सीमेटली टेंड करेगा, अप्रोच करेगा टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द सर्कल। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर लिमिट कहते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर पॉलीगॉन की जो आर्म्स है उनकी नंबर इन्फिनिटी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ द पॉलीगॉन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसका जो पॉलीगॉन का एरिया होगा वो सर्कल का एरिया हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब एन की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप एन की वैल्यू नंबर को इंक्रीज कराते हैं वैसे वैसे इस पॉलीगॉन का एरिया अप्रोच करता है टुवर्ड्स एरिया ऑफ द सर्कल। अब तो फिर मैं वही बोलूंगा कि एरिया ऑफ द पॉलीगॉन कभी भी एरिया ऑफ द सर्कल के इक्वल नहीं होगा बट अप्रोच करेगा। दिस विल बी कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन। फिर से एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तीसरे एग्जांपल की हेल्प से, आई थिंक आप और क्लोज पहुंचेंगे इस कॉन्सेप्ट के। तो लेट अस टेक अ फंक्शन fx इक्वल टू x²-1 / x - 1। तो देखिए होता क्या है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि x की सारी वैल्यू पे डिफाइन नहीं होते हैं। x की सारी वैल्यू पे आप उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन की सारी आप किसी भी x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और fx की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर मैं आपको से बोलूं कि फाइंड fx एट x = 1, जब आप x = 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करोगे या फिर x = -1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, 1 पे ही फाइंड कीजिए। जब इसकी वैल्यू हम लोग 1 पर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी fx = 1 - 1 / 1 - 1, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0/0। तो भी क्या होगा, इस फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे x = 1 पर। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई और हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है x = 1 पर। तो भी क्या है कि ये फंक्शन x = 1 पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हो पा रही है, बट हम लोग x = 1 पर इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं कि इसकी फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो x = 1 पर क्या होगा। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो भी देखिए हम लोग क्या करेंगे कि चलो x = 1 पर इसकी वैल्यू नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, आप इसके नेबरहुड में वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि x = 1 के नेबरहुड में इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट मीन्स 1 के थोड़ा सा आगे और 1 के थोड़ा सा पहले। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो जब हम लोगों ने देखा कि एट x = 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इनडिटर्मिनेंट आ रही है, तो उसकी वैल्यू फाइंड नहीं हो पा रही है। तो हम लोग चेक करते हैं, तो सपोज आपने वैल्यू पुट की x1 = 0.9। तो जब हमने x1 की वैल्यू पुट की, यहाँ पर x की वैल्यू पुट की फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटल, तो हम लोगों ने देखा कि जब x1 पुट किया 0.9 तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू आती है जब x = 0.9 पुट किया सबसे पहले, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया और इसकी वैल्यू आई 1.9। आप यहाँ पर x = 0.9 पुट कर दीजिए तो हम देखा कि fx की वैल्यू क्या आई, 1.9।
आपने फिर एक्सपेरिमेंट किया, आप वैल्यू और क्लोज ले गए 1 के पास, तो हमने वैल्यू पुट की x इक्वल टू 0.99, तो हमने देखा कि fx की वैल्यू आई 1.99। अब ये वैल्यू अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स 2। फिर हम लोगों ने x की वैल्यू पुट की 0.99 और 9, तो हम लोगों ने देखा कि fx की वैल्यू आई 1.99 और 9। तो मींस जैसे जैसे x अप्रोच करेगा टुवर्ड्स 1, तो हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि fx अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स 2। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे x की वैल्यू अप्रोच करेगी टुवर्ड्स 1, तो द वैल्यू ऑफ fx विल बी इक्वल टू 2। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे क्या होगा कि fx की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करेगी। तो जब x 1 के पास आएगा तो fx की वैल्यू हो जाएगी 2। Although x इक्वल टू 1 पर fx की वैल्यू 2 नहीं है, बट जब x अप्रोच करता है टूवर्ड्स 1, तो fx की वैल्यू हो जाती है 2। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी x की वैल्यू हम लोगों ने पुट की 1.1। तो जब x की वैल्यू 1.1 पुट की, तो हम लोगों ने देखा कि fx की वैल्यू आती है 2.1। तो यहां पर आप x इक्वल टू 1.1 पुट कर दें, तो हम लोगों ने देखा कि x इक्वल टू 1.1 पुट किया तो fx की वैल्यू आती है 2.1। अब जब x की वैल्यू 1.11 पुट करते हैं, है ना, तो जब x की वैल्यू 1.11 ना पुट करें, थोड़ा सा क्लोज आए 1 के, 1.01 पुट करें, हम लोग x की वैल्यू 1 के क्लोज ला रहे हैं, तो हम लोग देखा कि fx की वैल्यू आती है 2.01। तो जैसे x की वैल्यू 1.1 पुट की, तो fx की वैल्यू है 2.1। लेकिन जैसे ही हमने x की वैल्यू पुट की 1.01, तो fx की वैल्यू है 2.01। अब हम लोग x की वैल्यू थोड़ी सी और क्लोज आते हैं टुवर्ड्स 1, तो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ fx विल बी 2.001। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स 1, तो fx की वैल्यू अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स 2। तो यहां पर भी वही देख रहे हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है, तो fx की वैल्यू अप्रोच करती है किसको, 2 को, fx की वैल्यू 2 हो जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लिमिट। तो मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन की जो लिमिट है, दैट मींस यह फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं है, x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू नहीं आ पा रही है, बट हम लोगों ने क्या किया कि 1 के नेबरहुड में इसकी वैल्यू फाइंड की, और x के जस्ट पहले, x इक्वल टू 1 के जस्ट पहले इसकी लिमिट 2 है, और x के 1 के जस्ट राइट में इसकी वैल्यू 2 है। तो ये फंक्शन ऑल्दो इट इज नॉट डिफाइंड ऑन x इक्वल टू 1, बट वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1, दैट्स व्हाई वी कैन एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx व्हिच इज इक्वल टू 2। तो मतलब क्या हुआ कि यह x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है, है ना, बट हम लोगों ने क्या किया, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग fx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एट x इक्वल टू 1, क्योंकि जैसे जैसे लिमिट, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू 2। तो मतलब क्या हुआ कि जब x 1 को टेंड करेगा, तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लिमिट। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ a, बट नॉट नेसेसरली एट द पॉइंट a। जैसे भी मैंने लास्ट एग्जांपल में बात किया था, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अगर आप इस फंक्शन की बात करें, तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ 1 के नेबरहुड में डिफाइंड था, बट नॉट डिफाइंड ऑन द पॉइंट x इक्वल टू 1। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं इसमें, कि लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ a, बट नॉट नेसेसरली एट द पॉइंट a, देन वी आर इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर ऑफ fx। अब देखिए, ये फंक्शन जो मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट में, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, वो x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं था, है ना, फिर भी हम लोग मैथमेटिक्स वाले लोग, जिस पर डिफाइन नहीं है, हम उसी के पीछे पड़ेंगे। हम कहां पे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे x इक्वल टू 1 पे? अरे भैया, वो बाकी जगह पे डिफाइन है, वहां पर वैल्यू निकाल लीजिए। बट नहीं, हम लोग वैल्यू कहां निकालेंगे, जहां पर वो डिफाइन नहीं है।
दिस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, आपको करना पड़ेगा, है ना। तो भी क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है कहां पर, x इक्वल टू a पर, देन वी आर इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर ऑफ एफ एक्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज वेरी स्मॉल। तो भी a पर डिफाइन नहीं है, कोई बात नहीं, a के नेबरहुड में आप डिफाइन इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। नेबरहुड का मतलब क्या हुआ कि a के जस्ट बगल में, है ना, a के जस्ट पहले और a के जस्ट बाद में। तो भी हम क्या करेंगे, वी आर इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर ऑफ एफ एक्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज वेरी स्मॉल। हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब n टेंड्स टू इंफिनिटी था, है ना, तो इसकी वैल्यू जो सर्कल की का जो एरिया था वो पॉलीगन के एरिया के इक्वल आ रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, n की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज कर रहे थे कि वो वैल्यू लगभग इंफिनिटी के पास पहुंच जाए। तो अभी हम लोग वही बोल रहे हैं कि जैसे अभी देखा था ना मैंने फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और अपॉन एक्स माइनस वन, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि एक्स की वैल्यू अभी 0.9 पुट की थी। तो हमने बोला नहीं और पास में जाओ, तो हम लोगों ने 0.99 पुट किया। बोले और पास में जाओ, हमने 0.999 पुट किया। आप बोलेंगे और पास में जाएं, है ना, तो 0.9999 ऐसे आप कितने पास में जा सकते हैं। तो मैं बोलूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा आप पास में जा सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा आप पास में जाएं, तो आप वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली इक्वल करा पाएंगे उसकी वैल्यू के। दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर ऑफ एफ एक्स विद द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज वेरी स्मॉल। तो अभी x इक्वल टू वन पर फाइंड करना था, तो यहाँ पर एक की वैल्यू क्या हो गई, वन। तो अभी आप x की वैल्यू कहाँ ले जाएंगे, आप x की वैल्यू वन के अप्रोक्सीमेटली पगल में ले जाएंगे, उसके नेबरहुड में ले जाएंगे। स्पेसिफिकली वी वुड लाइक टू नो whether there is some real number L such that fx approaches to L as x approaches to a। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि लिमिट जब x tends to 1 की थी तो उस fx की वैल्यू क्या आ गई थी, उस fx की वैल्यू आई थी 2। तो मतलब वहां पर एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा था L, जब x की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है तो फंक्शन की वैल्यू 2 को अप्रोच करती है। तो यहां से इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एल। मतलब क्या हुआ, आप फिर समझिए एक बार, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ a बट नॉट नेसेसरली एट द पॉइंट a, वी आर इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर ऑफ एफ एक्स when the distance between x and a is very small। हम पीछे पड़े हैं, हम x equal to उसको a पर ही define कराएंगे, है ना। Especially we would like to know whether there is some real number l such that fx approaches to l as x approaches to a। तो जैसे जैसे x a को approach करेगा वैसे वैसे fx l को approach करेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स की वैल्यू एल के इक्वल नहीं होगी, एफ एक्स की वैल्यू अप्रोच करेगी टूवर्ड्स एल। दैट मीन्स एफ एक्स और एल में एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा और हम लोग इस डिफरेंस को क्या करेंगे, हम लोग इस डिफरेंस को कम करना चाहते हैं। समझ में आया आपको। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से एक बार समझते हैं अच्छे से कि यहां पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। दैट मीन्स कि वेन एक्स टेंड्स टू ए इट इम्प्लाइज एफ एक्स टेंड्स टू एल। तो एफ एक्स की वैल्यू टेंड्स करेगी टूवर्ड्स एल वेन एक्स अप्रोचेस टू ए। एफ एक्स की वैल्यू एल के इक्वल नहीं होगी, जब x a को टेंड करेगा तो एफ एक्स की वैल्यू l के अप्रोक्सीमेट पास होगी, बिल्कुल पास में होगी। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि एफ एक्स और l का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो। कितना कम हो, वो सपोज कम हो जाए, कितना कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, कितना हो जाए, बहुत कम, भाई जीरो हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। तो कोई बोले चलो अच्छा जीरो भी नहीं, कितना, बहुत कम। दैट मीन्स सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है, अभी जीरो पॉइंट, कोई बोले 0.001, हम बोलेंगे नहीं और छोटा, कितना छोटा, 0.0001, हम बोलेंगे नहीं और छोटा, तो वो बोलेगा 0.00001, हम बोलेंगे और छोटा। तो अभी क्या किया, और छोटा के चक्कर में कितना वैल्यू छोटा दे देंगे। तो उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को हम लोग डिफाइन करेंगे एप्साइलन, ठीक है। तो एप्साइलन क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हो गया। मतलब क्या है कि हम जो वैल्यू चाहते हैं वो इतनी एक्यूरेट चाहते हैं कि एफ एक्स और एल का डिफरेंस बहुत ही कम हो, इतना कम हो जितना आप सोच सकते हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हो, विच इज डिनोटेड बाय एप्साइलन। दैट मींस कि हियर
अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा शुड एग्जिस्ट सच दैट 0x माइनस a लेस देन डेल्टा, मतलब x और a को आप इतना x और a को भी पास पास ले जाएंगे, तो x जैसे ही a के क्लोज जाएगा, जितना क्लोज जाएगा, जितना a के पास जाएगा, उतनी ही वैल्यू fx की और l की पास पास आएगी। मतलब क्या हुआ कि जब x लगभग a के पास पहुंच जाएगा, बिल्कुल a को टच करने वाला होगा, तो fx की वैल्यू l को अप्रोच करेगी और इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो उस टाइम बहुत कम हो चुका होगा। कब होगा? जब x की वैल्यू a के अप्रोच पास पहुंचेगी। सपोज ये वैल्यू हो गई है a की, x की वैल्यू हम बोलेंगे और पास में आओ, यहां पर नहीं, और पास, और पास, और पास, तो जब यहां पर आ जाएंगे कितना पास आ जाएंगे, बहुत पास। तो जब लगभग x माइनस a का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, पॉजिटिव नंबर डेल्टा होगा, उस टाइम पर fx की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये टेंड करेगा टूवर्ड्स l को, लगभग l के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स fx और l का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, और ये बहुत कम किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एप्सिलॉन के। और एप्सिलॉन क्या है, मैंने बताया एप्सिलॉन है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, इट इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है ना, कि मतलब डिफरेंस बिल्कुल ना के बराबर है, fx की वैल्यू ऑलमोस्ट l के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हम लोग a पर भी fx का बिहेवियर फाइंड कर पाएंगे और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी l के। ठीक है, तो यहां पर एक नंबर एग्जिस्ट करेगा l, जिसके लिए लिमिट x टेंड्स टू a fx विल बी इक्वल टू l। अब क्या करेंगे, दो चीजें होंगी, एक होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी राइट हैंड लिमिट। अब द कॉन्सेप्ट आता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। अभी सपोज ये पॉइंट है ए, है ना, और ये ए का नेबरहुड है, ये ए प्लस डेल्टा और ये ए माइनस डेल्टा। तो अभी ए के आप नेबरहुड में जाएंगे, अब एक्स की वैल्यू इधर से आएगी। अगर ये लेफ्ट से अप्रोच करती है, x की वैल्यू अप्रोच करती है फ्रॉम द लेफ्ट, अगर x अप्रोच करता है अप्रोचेस टूवर्ड्स लेफ्ट, तो अगर x लेफ्ट से अप्रोच करता है तो हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर x लेफ्ट हैंड से अप्रोच करे देन इट विल बी कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, और सिमिलरली अगर x की वैल्यू राइट हैंड साइड से अप्रोच करे, ठीक है, राइट साइड से अप्रोच करे, तो x अप्रोचेस टूवर्ड्स राइट, देन इट विल बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, है ना, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, जब x राइट साइड से अप्रोच करता है देन इट विल बी कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, और जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करता है तो इट विल बी कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, यहां पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा। अब लेट अस fx इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस x, दिस इज अ फंक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप x को रिप्लेस करेंगे x माइनस एच से, तो क्या आएगा यहां पर 1 अपॉन 2 और x की जगह रखेंगे x माइनस एच। और सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए आप x को रिप्लेस करेंगे x प्लस एच से, तो यहां पर मिल जाएगा 2 प्लस और x की जगह पुट करेंगे x प्लस एच। तो अब आप वो पॉइंट फाइंड पुट करेंगे वैल्यू जिस पर आपको लिमिट फाइंड करनी है। तो सपोज अगर ये x इक्वल टू 2 पर लिमिट हमें चेक करनी है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां लिखेंगे f 2 माइनस h, x को रिप्लेस करेंगे 2 से, और यहां हम लोग को मिलेगा 2 और x की जगह आप 2 पुट करेंगे तो वी विल गेट 4 माइनस h, एंड इन केस ऑफ राइट हैंड लिमिट x को रिप्लेस करेंगे 2 से देन वी गेट 2 प्लस h इक्वल टू 1 अपॉन x की जगह फिर 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 और ये आ जाएगा 4 प्लस h। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने x की जगह x माइनस h रख दिया और राइट हैंड लिमिट के लिए आपने x की जगह x प्लस h रख दिया।
फिर क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर लिमिट फाइंड करना होगा उस पॉइंट को x से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर x इक्वल टू है तो x के 2 रख दिया, तो f2 माइनस h इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस h, और f2 प्लस h इक्वल टू 4 प्लस h। तो हम तो क्या चाहते हैं, हम तो जस्ट 2 पर चाहते हैं, तो मतलब 2 के थोड़ा सा आगे, जरा सा, कितना, एप्सिलॉन आगे, और 2 से थोड़ा सा पहले। तो इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी 2 से जस्ट पहले, और यहां पर 2 के जस्ट आगे। तो इसको लिखेंगे f 2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 4 माइनस h, और यहां भी वही लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 4 प्लस h। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पर मिल जाएगा 1 अपॉन 4 और यहां पर भी मिल जाएगा 1 अपॉन 4। तो जब आप h इक्वल टू 0 करेंगे तो 4 माइनस 0 4, तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा, और यहां भी 4 प्लस h पुट करेंगे तो 1 अपॉन 4 आ जाएगा। तो दैट मींस इन बोथ केसेस द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल एंड इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। तो अभी यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि कब लिमिट एग्जिट करती है, एग्जिस्ट करती है और या नहीं करती है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स एफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गई है, तो हम लोग बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और हम लोग इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a और एफ एक्स, और जो भी उसकी वैल्यू आती है वो वैल्यू हम लोग वहां पर लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी भी फंक्शन की इक्वल हो जाती है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अभी कई सारे केस हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें और दोनों अनइक्वल हो, या फिर एक लिमिट एग्जिस्ट करे और दूसरी एग्जिस्ट ना करे। तो अभी हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स पे बेस कुछ थ्योरम्स हम लोग देखेंगे। सपोज देर आर टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, देन लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू ए, एंड लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इज इक्वल टू बी। तो हम लोगों ने यहां से एज्यूम कर लिया कि दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और एक्स टेंड्स टू ए पर एफ एक्स की लिमिट है ए और जी एक्स की लिमिट है बी। तो क्या होगा कि अगर हम लोगों को लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ए पर फाइंड करनी हो एफ एक्स और प्लस माइनस जी एक्स की, यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स, मतलब दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस की लिमिट, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स फाइंड कर लेंगे और प्लस माइनस जो भी साइन होगा, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स फाइंड कर लेंगे। दैट मीन्स इसका आंसर होगा ए और प्लस माइनस बी की। That means उन दोनों functions की अलग से लिमिट फाइंड करेंगे और बीच में जो भी सिंबल होगा वो यूज करके हम लोग उसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। दूसरी थ्योरम है कि सपोज हम लोगों को लिमिट फाइंड करनी हो लिमिट x tends to a और फंक्शन में हम लोगों ने किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या होगा इस केस में, कॉन्स्टेंट को हम लोग लिमिट से बाहर करेंगे और आएगा लिमिट x tends to a एफ एक्स, जिसकी की वैल्यू कैपिटल ए पहले से ही हम लोगों ने अज्यूम की हुई है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के टाइम्स ऑफ ए। सिमिलरली हम लोग मल्टीप्लीकेशन, अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा हो और हमें उस मल्टीप्लाइड फंक्शन की लिमिट फाइंड करना हो, फाइंड लिमिट एट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो सिमिलरली जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में किया था, यहां भी हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एंड लिमिट x tends to a gx, और इसकी वैल्यू आपको पता है a है और इसकी वैल्यू b है, तो जो इस टोटल फंक्शन की लिमिट होगी वो होगी a dot b। अभी क्या करेंगे, अगर दो फंक्शन इस टाइप से लिखे हों
कि फाइंड लिमिट एट x टेंस टू a ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो सिमिलरली हम लोग इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। तो आप जानते हो इसकी वैल्यू a होगी और इसकी वैल्यू b होगी, बट आपको ध्यान रखना है कि b जो है ना वो जीरो के इक्वल ना हो, अदरवाइज इसकी लिमिट फाइंड नहीं होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट थीटा टेंस टू जीरो ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, मैनी एग्जाम्पल विल बी बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, वी नो दैट एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा विल बी थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और माइनस डॉट डॉट डॉट। तो अभी साइन थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू डॉट डॉट अपॉन थीटा। थीटा ऊपर नीचे कॉमन करके कैंसिल कर देंगे और हम लोग को मिल जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, थीटा कॉमन ले लेंगे ऊपर से, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू डॉट 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 और अपॉन थीटा। और अब जब थीटा कैंसिल हो जाएगा फिर आप लिमिट पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1। तो मतलब क्या हुआ कि लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंस टू जीरो विल बी इक्वल टू 1। अभी इस पे बेस्ड कई सारे एग्जांपल्स होंगे हम लोग एक्सरसाइज में जो सॉल्व करने हैं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, इट इज आल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन sin bx, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 हम लोग लिखेंगे इसको sin ax और अपॉन sin bx। अपने हम लोगों ने क्या किया, ax से डिवाइड किया और ax से मल्टीप्लाई भी कर दिया, सिमिलरली bx से मल्टीप्लाई किया और bx से डिवाइड कर दिया अपन लोग ने, x और x कैंसिल हो गया एंड वी गेट लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन ax इंटू bx अपॉन sin bx और a अपॉन b। अभी जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ये लिमिट इसमें भी लगाएंगे fx में भी और लिमिट दूसरे फंक्शन gx में भी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन ax एंड लिमिट x टेंस टू 0 bx अपॉन sin bx और a अपॉन b। इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी और इनटू a अपॉन b, तो इस न्यूमेरिकल की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन b। दैट मींस लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन sin bx विल बी इक्वल टू a अपॉन b। अभी हम लोग देखते हैं कि लिमिट को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। आप यहां पर लिमिट की वैल्यू फाइंड कीजिए, लिमिट x टेंस टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डायरेक्टली आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू 2। तो जब आप पुट करेंगे x इक्वल टू 2 तो क्या होगा, यहां पर इसकी वैल्यू आएगी एफ एक्स की एट 2, 2 क्यूब दैट इज 8 माइनस 4 इंटू 4 दैट इज 16 प्लस 8 और अपॉन 4 माइनस 4 दैट इज 16 माइनस 16 अपॉन 4 माइनस 4 दैट इज 0 अपॉन 0। तो भी x इक्वल टू 2 पर तो इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे हम लोग, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 अपॉन 0, ये कि इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो अभी पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन से होते हैं, कौन से फॉर्म ऐसे हैं जो आ जाएंगे तो हम लोग उसकी लिमिट फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो बात करते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की। तो कहीं भी आपको 0 अपॉन 0 दिख जाए, दिस इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिल जाए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। या फिर हम लोग को इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मिल जाए तो इट इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 0 इंटू इनफाइनाइट मिल जाए, इट इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 0 की पावर 0 दिख जाए तो भी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है।
वन की पावर इनफाइनाइट हो तो उसकी वैल्यू भी अपने को पता नहीं होती है, हम नहीं जानते क्या होता है, इसकी वैल्यू भी इनडिटरमाइन होता है। देन अगर इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट हो तो ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, इसकी भी वैल्यू अपने को नहीं पता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इनमें से कोई भी फॉर्म आएगी तो हम लोग लिमिट को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो चलो अब हम लोग लास्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो हियर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अभी लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स। अब देखो एक्स इक्वल टू पुट कर दोगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, वैल्यू आपको मिल नहीं पाएगी, फिर भी हम लोग एक्स इक्वल टू पर ही फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, उसके नेबरहुड में फाइंड करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स सॉरी यहां पर एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो अभी यहां पर लिमिट हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू टू पर से एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, इट बिकम्स लिमिट एक्स टेंस टू टू यहां पर एक्स और ये बन गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में मिलेगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। तो यहां से एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। अभी आप यहां पर लिमिट पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा टू और टू माइनस टू दैट इज जीरो अपॉन टू प्लस टू दैट इज फोर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो।